हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं सरिंदर प्रकाश, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट फटाफट लाइव आएँ क्लास आप लोगों की। यूपीपीएससी एई आपका जो इलेक्ट्रिकल के लिए एग्ज़ाम है और राजस्थान जेई जो आपका इलेक्ट्रिकल के लिए आपका एग्ज़ाम है, तो सभी लोग फटाफट लाइव आएँ। तो जैसे हमारे डेली क्लासेस होती हैं तो उसी सिक्वेंस में आपका क्लास, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का आप अगर सिलेबस उठाकर देखें तो यूपीपीएससी एई की अगर मैं बात करता हूँ, जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पोस्ट आपका, तो वहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप लेके चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट सिलेबस आपको दिया गया है, जिसमें आपका माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, आपका एंटीना, माइक्रो प्रोसेसर विथ प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, ईडीसी, ये कंप्लीट आपको दिए गए हैं आपको सिलेबस में। ठीक है, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस को जो आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का, जब तक और लोग लाइव आते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, किस तरीके से कि इन अ फुल वेव रेक्टिफायर विद इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स। ठीक है, कि अगर आपका एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्स है, देन फ्रीक्वेंसी एट द आउटपुट, ठीक है, कि आउटपुट पर कितना फ्रीक्वेंसी आपका होगा। ठीक है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सभी लोग फटाफट लाइव आए, वीडियो को सभी लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड है सबको शेयर करें, कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो फटाफट आप लोग वीडियो शेयर करें। ठीक है, और आंसर देना स्टार्ट करें, जितने भी लोग लाइव हैं अभी सभी लोग फटाफट आंसर देना स्टार्ट करें कि एक फुल वेव रेक्टिफाइड सर्किट में अगर आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, एक स्टूडेंट ने आंसर भी दिया है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर आपका, ठीक है, तो यहां से अगर मैं लेके चलता हूं कि इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना गिवन आपको, 50 हर्ट्स गिवन है। ठीक है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसा आएगा आपका, अगर मैं बात करता हूं कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है, अगर मैं इनपुट सिग्नल लेके चलता हूं तो साइनसोइडल सिग्नल इस तरीके से, ये क्या होता है आपका, इनपुट सिग्नल होता है। ठीक है, अगर मैं आउटपुट सिग्नल की बात करता हूं तो आउटपुट सिग्नल कैसा था आपका, इस तरीके से, ये क्या था आपका, सिर्फ पॉजिटिव साइड में सिग्नल आपका इस तरीके से। तो यहां अगर आप इनपुट साइड का टाइम पीरियड देखेंगे तो दिस इज टी, तो अगर यहां पर आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपका आउटपुट के लिए अगर आप टाइम पीरियड देखते हैं तो दिस इज T/2। ठीक है, तो टाइम पीरियड हाफ हो रहा है तो इट मीन्स आपका फ्रीक्वेंसी कैसा हो जाएगा आपका, जस्ट डबल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि फॉर फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये किसके लिए आपका, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, चाहे वो सेंटर टैप है या ब्रिज है आपका। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा, दैट इज आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल टू 2 × 50, दैट इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर अगर आप देखते हैं तो दैट इज ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा, यहां से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से आपका राइट आंसर। तो सभी लोग फटाफट लाइव आए, अभी हमने एक बेसिक सा बहुत जनरल सा क्वेश्चन डिस्कस किया आपको कि किस तरीके से आपका अगर हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा गया होता तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी। फुल वेव के केस में आपको याद रखना है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट लाइव आए भाई। ठीक है, और आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, अगेन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं इस तरीके से कि इन द कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट, कि एक कॉमन एमिटर, ठीक है, तीन कॉन्फ़िगरेशन आपकी ट्रांजिस्टर की होती है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। तो एक कॉन्फ़िगरेशन को लेते हुए यहां पर कह रहा है कि इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली कॉन्फ़िगरेशन आपकी कॉमन एमिटर। ठीक है, क्योंकि सबसे स्टेबल आउटपुट यहां पर आपको मिलता है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं अगर अदर एडवांटेज आप देखते हैं तो पावर गेन आपका कॉमन एमिटर में हाई होता है, वोल्टेज गेन हाई होता है आपका, करंट गेन हाई होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, सिंगल कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें आपका आउटपुट फेज रिवर्सल आता है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट के। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, यहां पर अगर हम देखते हैं कि इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ठीक है, कि एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट में इफ द करंट गेन, तो कॉमन एमिटर बोला गया है तो कॉमन एमिटर में जो करंट गेन होता है आपका, दैट इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो बीटा आपको गिवन कर रहा है कितना आपका, बीटा इज इक्वल टू 100। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, एंड द कलेक्टर करंट इज 10 mA, और कलेक्टर करंट कितना आपका, दिस इज इक्वल टू 10 mA। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस करंट। ठीक है,
तो सिंपल सा बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन आप लोगों को इलेक्ट्रिकल के सेक्शन में इस टाइप का बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं, ठीक है। आपको बताना क्या है, बेस करंट आईबी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट आईसी इज इक्वल टू बीटा इंटू आईबी, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। आईसी गिवन है, बीटा गिवन है, आईबी आपको कैलकुलेट करना है। दिस इंप्लाइज यहां से अगर आप देखेंगे कि बेस करंट आईबी इज इक्वल टू कलेक्टर करंट अपॉन बीटा, तो कलेक्टर करंट कितना आपका, दिस इज 10 मिली एम्पियर इज डिवाइडेड बाई 100 आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मिली एम्पियर इस तरीके से आपका, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा आपका, कि यहां से अगर मैं लेके चलता हूं इसको, तो ये कितना आपका 100 था, ये आपका 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो मिली एम्पियर को अगर मैं एम्पियर में करता हूं तो ये कैसे हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर आपका। तो माइनस 3 प्लस माइनस ये कैसे हो जाएगा आपका माइनस 5, तो दिस इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर आपकी क्या आ जाएगी, बेस करंट इस तरीके से आपका, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर जो आ जाएगा आपका दैट इज 100 माइक्रो एम्पियर। तो वेरी गुड, काफी लोग विद डिटेल आंसर दे रहे हैं, तो इसी तरीके से सब लोग आंसर देंगे तो आंसर जो आपका निकल के आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान के देना है कि कई बार आपको एग्जाम में जब लीकेज करंट गिवन होता है तो फिर आपको प्लस ऐड करके उस लीकेज करंट को भी कंसीडर करना है, जो आपका कंप्लीट फॉर्मूला होता है, ठीक है। कि अगर मैं कॉमन एमिटर की बात करूं तो इससे आगे फॉर्मूला कैसा होता है आपका, प्लस ICE0, और इस ICE0 को अगर हम और इलेबरेट करते हैं तो ये कैसा आता आपका, दिस इज 1 प्लस बीटा इंटू ICB0 और IC0 आपका, इस तरीके से सिंपल, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको इस तरीके से याद रखने, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को आता है इलेक्ट्रिकल के पास आप लोगों को, ठीक है। और इस तरीके से IC इक्वल्स टू बीटा IB, जब आपको लीकेज गिवन नहीं है आइडियल केस में और लीकेज गिवन है आपको, तो इस तरीके से आपको प्लस IC0 लेके चलना है। तो सिंपल सा आंसर आपका 100 माइक्रो एम्पियर, दैट इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। काफी स्टूडेंट को नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप लोग सभी फ्रेंड को शेयर जरूर करें आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑसिलेटर सर्किट से क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बोल रहा है कि द बेसिक हार्टले ऑसिलेटर यूजेस, ठीक है, कि एक बेसिक हार्टले ऑसिलेटर किस को यूज करके आपका बना होता है, ठीक है। तो फटाफट आंसर दें जरा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लेके चलते हैं तो हमेशा याद रखें हार्टले एच से स्टार्ट हो रहा आपका, एच आपकी यूनिट होती है इंडक्टर की, ठीक है। इंडक्टर की क्या यूनिट होती है आपकी, हेनरी यूनिट होती है आपकी। तो हार्टले ऑसिलेटर के लिए आप हमेशा याद रखें कि फीडबैक नेटवर्क में आपका, इस तरीके से अगर हम लेके चलते हैं तो एक इंडक्टर और इस तरीके से आपका अदर इंडक्टर आपका, और पैरेलल में क्या होता है आपका, इस तरीके से कैपेसिटर कनेक्ट होता है, और यहां बीच में क्या होता है आपका ग्राउंडेड। तो कई बार एग्जाम में आपको इस तरीके से क्या लिखा होता है, टू इंडक्टर्स इन सीरीज विद पैरेलल कैपेसिटर, ये कई बार एग्जाम में आपको आंसर किस तरीके से देता है, कि यहां से अगर हम लेके चलें तो कैसे देता है आपको आंसर, कि यहां से देखते हैं अगर हम, तो यही क्वेश्चन आपको किस तरीके से देता है कि इंडक्टिव क्वाइल, या आप बोल सकते हैं कि टैप्ड इंडक्टिव क्वाइल विद पैरेलल टू कैपेसिटर, तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम में देता है आपको, ठीक है, कि सेंटर टैप्ड क्वाइल विद पैरेलल टू कैपेसिटर। तो दोनों आपके राइट आंसर होते हैं कि एक बेसिक हार्टले ऑसिलेटर आपका कैसे बनता है, अ सेंटर टैप्ड क्वाइल एंड अ कैपेसिटर। तो आंसर जो आपका आएगा दैट इज ऑप्शन बी आपका क्या जाएगा, यहां से राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर बी क्या हो गया आपका, यहां से राइट आंसर हो गया। तो काफी स्टूडेंट ने बिल्कुल राइट आंसर दिया भी था, तो सभी लोग इसी तरीके से आंसर देंगे। इसी तरीके से अब ध्यान से सुने कि अगर आपको हार्टले की जगह कोई अदर ऑसिलेटर पूछा गया होता, ठीक है, कि हार्टले की अगर जगह मैं बोलता हूं कि कॉलपिट ऑसिलेटर बोला होता, तो कॉलपिट के केस में आपको क्या याद रखना है कि जहां इंडक्टर थे वहां आपके कैपेसिटर, तो कैपेसिटिव कैपेसिटिव प्लेट आपकी क्या होती है, मिड बिटवीन, या आप बोल सकते हैं कि सेंटर टेप्ड कैपेसिटर विद पैरेलल इंडक्टर, अगर आपको कॉलपिट ऑसिलेटर पूछा गया होता, ठीक है। तो सभी लोग स्टूडेंट फटाफट लाइव आए, आंसर देना स्टार्ट करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग आंसर दें, ठीक है, कोशिश करें सब लोग आंसर देने की, और जहां पर भी किसी स्टूडेंट को डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, और जैसे आपका एग्जाम असिस्टेंट इंजीनियर का है, चाहे वो आपका राजस्थान के लिए हो या आपका यूपीपीएससी एई के लिए हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन को करने की। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक जनरल सा क्वेश्चन आप लोगों को,
कि आर वन इक्वल्स टू आर टू इज इक्वल्स टू आर ए एंड आर थ्री इक्वल्स टू आर फोर इक्वल्स टू आर बी द सर्किट एक्ट्स एज, ठीक है, कि एक सर्किट जो आपका गिवन है ये किस तरीके से ऑपरेट करेगा, आपका ऑल पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर। तो सभी लोग फटाफट आंसर दें जरा कि किस तरीके से ये सर्किट आपका ऑपरेट होगा, ठीक है, किस फिल्टर की तरह ये सर्किट आपका वर्क करेगा। सभी लोग फटाफट आंसर दें, ठीक है, फटाफट आंसर दें जरा सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आज की क्लास का, ठीक है, आपको फिल्टर सर्किट आइडेंटिफाई करने को एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। वेरी गुड, एक स्टूडेंट आंसर दे दिया ऑप्शन बी बैंड पास फिल्टर, ठीक है, और लोग भी आंसर दें, फिर हम लोग चेक करते हैं कि इनका आंसर करेक्ट है आपका या इनकरेक्ट है, ठीक है। गुड, सभी लोग आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं। तो ध्यान से देखें आपको करना क्या है, आपको गिवन क्या है यहाँ पर, आपका अगर मैं यहां से लेके चलता हूं आपको, तो आपको सर्किट गिवन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। किस तरीके से गिवन है कि यहां से अगर आप देखें तो इस तरीके से आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस आपका, ठीक है, और यहां आपका इस तरीके से क्या है, ओप एम्प सर्किट कनेक्ट है, ठीक है। जिन लोगों को समझ ना आता हो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो ध्यान से मेरे साथ देखें आप, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, यहां से आपका कैपेसिटर कनेक्ट है फीडबैक नेटवर्क पर आपका, ठीक है, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये क्या आपका पैरेलल में क्या आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, वैल्यू कितनी आपकी आर टू, ठीक है। कैपेसिटर आपका सी, यहां से आपका दिस इज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, ठीक है। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये किस तरीके से आपका, कि यहां आपका इस तरीके से क्या इनपुट वोल्टेज, और नीचे आपका इस तरीके से अगर हम लेके चलते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, इस तरीके से अगर हम लेके चलते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, सिंपल आपका यहां से रजिस्टर और ये कनेक्ट आपका, और नीचे आपका इस तरीके से क्या आपका अनदर रजिस्टर, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिल्टर सर्किट होगा आपका। वेरी गुड, काफी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है वो साथ साथ मेरे देखते रहे कि कैसे आपको चेक करना है एग्जाम में। तो जब भी आपका इस तरीके का सर्किट होगा, तो जब भी फिल्टर आइडेंटिफाई करने को बोलेगा, तो वहां पर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में से एक जरूर कनेक्ट होगा आपका, क्योंकि उनके बेसिस पर ही आपका क्या होता है फिल्टर सर्किट डिफाइन होता है। यहां से आपका क्या है इनपुट वोल्टेज वी आई, ठीक है। तो अब ध्यान से अगर आप इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देखें, तो एक आपका नेगेटिव इनपुट, आपका इन्वर्टिंग इनपुट, पॉजिटिव इनपुट नॉन क्या होता है आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। आगे अगर आप देखते हैं तो R2 पैरेलल विद C, ये क्या है आपका फीडबैक एलिमेंट, और फीडबैक में नॉर्मली क्या होता है स्टैंडर्ड आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां से, तो किस तरीके से आपका फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक है, ओवरऑल फीडबैक रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो फीडबैक रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो दैट इज आर एफ इज इक्वल टू, ठीक है। सिंपल कैसे आएगा आपका फीडबैक रेजिस्टेंस, कि ये रेजिस्टर आर टू और ये कैपेसिटर कैसा आपका पैरेलल कनेक्ट है, पर कभी भी डायरेक्टली ऐसा ना लिख दें कि R2 पैरेलल विद C। R2 आपका क्या है रेजिस्टेंस और C आपका कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस को आपको कैसे लिखना पड़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की टर्म्स में, तो दैट इज R2 इज पैरेलल विद 1 अपॉन J ओमेगा C, ठीक है इतना। अब आगे अगर हम देखते हैं तो सिंपल इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आप ले लेंगे, तो दिस इज R2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन J ओमेगा C इज डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी, इस तरीके से, ठीक है। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, तो ये किस किस तरीके से हो जाएगा आपका, कि दिस इज आर टू इज डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से देखें सभी लोग, ठीक है, और यहां से ये जो ओमेगा सी का एलसीएम लेकर ये सबसे ऊपर चले जाएगा आपका, तो दिस इज जे ओमेगा सी इज डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू इंटू जे ओमेगा सी, तो जे ओमेगा सी से जे ओमेगा सी कैंसिल आपका, ठीक है। सिंपल कितना बच जाएगा आपका, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो दिस इज आर टू इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू इंटू जे ओमेगा सी, ये आपका क्या आ जाएगा इस तरीके से अगर हम देखते हैं, तो दिस इज फीडबैक रेजिस्टेंस आपका इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इतना ये आपका फीडबैक निकल गया। अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या आपका यही इनपुट वोल्टेज आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी है और यही वोल्टेज आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी है, तो यहां पर मैं नोड वोल्टेज कंसिडर कर रहा हूं वी ऑफ ए, ठीक है। यहां से इनपुट वोल्टेज वी ए आ रहा है, आर थ्री में भी यही वोल्टेज है, आर फोर में भी यही वोल्टेज आपका सीरीज में कनेक्ट है, तो इट मींस ये वोल्टेज आपका डिवाइड सीरीज में क्या होता है वोल्टेज डिवाइड होता है, तो इट मींस आर थ्री और आर फोर में ये वोल्टेज क्या और आपका डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं लेकर चलता हूं तो यहां पर कैसा आ जाएगा आपका, कि वोल्टेज अक्रॉस आर फोर दैट इज वोल्टेज वी ए इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल वोल्टेज कितना आपका, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहा हूं मैं सिंपल सा, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा भी है, ठीक है। जिनको समझ नहीं आ रहा है जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो देखते रहे, मैं अभी पूरा क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूंगा आपको। इनपुट टोटल वोल्टेज कितना आपका वी आई मल्टीप्लाइड बाई
वो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आपको कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस कौन सा आपका, दिस इज आर फोर इज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो दिस इज इक्वल टू आर फोर प्लस आर थ्री, ठीक है इतना। अब क्वेश्चन ने खुद आपको गिवन किया है कैसे आपका कि आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर ए आपका, ठीक है, और आगे आपको क्या कह रहा है कि आर थ्री इज इक्वल टू आर फोर इज इक्वल टू आर बी, तो इट मीन्स आर थ्री और आर फोर आपके इक्वल हैं और क्या आपका रेजिस्टेंस आर बी से डिनोट हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, सिंपल कितना आ जाएगा आपका ऊपर आर बी या आपका आर बी प्लस आर बी टू आर बी, तो ये आ जाएगा आपका इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाई टू, ठीक है, तो ये आ गया आपका ए पर वोल्टेज। अब ध्यान से देखें, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इनपुट क्या आपका, इनपुट वोल्टेज आपकी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी है, ठीक है, तो फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं कि इफ इनपुट वोल्टेज इज प्रेजेंट ओनली एट इन्वर्टिंग और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिख रहा हूं कि इफ इनपुट वोल्टेज इज एट नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल पर होगी तो ये जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये कैसे वर्क करेगा आपका, ये वर्क करेगा आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो गेन आपका होता है तो वी नॉट वन इज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज वी आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका फीडबैक रेजिस्टेंस माइनस आर एफ अपॉन आर वन, तो सिंपल कितना आ जाएगा आपका माइनस आर एफ अपॉन आर वन, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो माइनस वन अपॉन आर वन को मैं एज इट इज रहने देता हूं और आर एफ की मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, तो दिस इज आर टू अपॉन वन प्लस आर टू इंटू जे ओमेगा सी, ठीक है, तो आर वन इक्वल टू आर टू है तो आर वन से आर टू कैंसिल आपका, ठीक है, तो यहां अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट आउटपुट वोल्टेज आपका जो आएगा दैट इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन वन प्लस आर टू इंटू जे ओमेगा सी सिंपल आपका, ठीक है इतना, तो दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको हम लेके चल रहे हैं इक्वेशन नंबर वन। जब हमने क्या किया है इनपुट वोल्टेज को कंसीडर किया सिर्फ आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, असिस्टेंट इंजीनियर यूपीपीएससी एई के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं पहले से, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका यहां से फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड केस आपको कैसे लेना है कि अगर यही इनपुट वोल्टेज आपका यहां कनेक्ट आपका, ठीक है, यहां ना कनेक्ट होकर यहां ग्राउंड लेना है और यहां कनेक्ट करना है, तो कैसे आपका कि इफ इनपुट इज, ठीक है, इस तरीके से आपका एट पॉजिटिव टर्मिनल या आप बोल सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है, तो अब यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर हम नॉर्मल गेन देखें तो क्या होता है आपका आउटपुट वोल्टेज टू इज इक्वल टू, यहां एक बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहीं पर आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कि जब भी आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज निकालेंगे गेन को कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी इनपुट वोल्टेज नहीं आता है, वोल्टेज आता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज, कि पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज कितना है, और पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज कितना है आपका वी ऑफ ए वोल्टेज है आपका, तो इट मींस आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट जो आना था वो वी ए आना है, तो वी ए मल्टीप्लाइड बाई, और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए या नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो गेन आपका होता है वो किस तरीके से होता है आपका, दिस इज इक्वल टू वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन, ठीक है, आर एफ आपका फीडबैक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यहां पर, ठीक है, आर टू अपॉन वन प्लस जे आर टू ओमेगा सी, तो फटाफट वैल्यू रखते हैं तो वी ए आपका है वी आई बाई टू, तो दिस इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज वी आई बाई टू, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई, यहां से अगर आप देखेंगे तो सिंपल किस तरीके से आपका कि इसे अगर हम सिंपल इस तरीके से भी मैं लेके चल सकता हूं कि ये आपका कितना है वन अपॉन, इसको अगर मैं लेके चल रहा हूं तो ये सिंपल क्या आपका आर एफ को डिनोट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, चाहे तो पूरी वैल्यू लेके चलें तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका वन प्लस वन अपॉन आर वन मल्टीप्लाइड बाई, तो आर एफ कितना आपका फीडबैक रेजिस्टेंस आर टू इन टू, ठीक है, सिंपल आपका दिस इज आर टू अपॉन वन प्लस आर टू इन टू जे ओमेगा सी, थोड़ा सा ध्यान से देखें अभी क्वेश्चन आपको सिंपल लगेगा, आर वन और आर टू इक्वल है तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, अब ये वैल्यू देखें आप लोग और ये वैल्यू देखें लगभग लगभग सिमिलर आपकी, ठीक है, तो ओवरऑल आउटपुट आपका सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रिंसिपल कि ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज जो आपका आएगा फर्स्ट आउटपुट वोल्टेज प्लस सेकेंड आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, तो सिंपल कैसा हो जाएगा आपका कि फर्स्ट आउटपुट वोल्टेज आपका वी आई अपॉन ये प्लस, आप यहां से देखेंगे तो यहां पर एक और चीज आपकी छूट रखी, ये माइनस था आपका तो इसको माइनस लेके चले, तो ये माइनस आप करेंगे हाफ वैल्यू से तो नेगेटिव आपका आएगा, तो सिंपल कैसा हो जाएगा आपका कि यहां से अगर मैं देखता हूं तो दिस इंप्लाइज इनपुट वोल्टेज वी आई बाई टू आपका फर्स्ट टर्म में और प्लस
यहां पर क्या आएगा आपका वी आई बाई टू माइनस वी आई, तो सिंपल कितना हो जाएगा आपका माइनस, तो इस तरीके से मैं लिख रहा हूं कि वन माइनस वन अपॉन वन प्लस आर टू इंटू जे ओमेगा सी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आपका, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलें आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसका शॉर्ट टाइप भी मैं आपको समझाता हूं, आपको चेक कैसे करना है, पहले इसको देख लें कंप्लीट आप लोग कि किस तरीके से ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड आपके सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे आप लोग, तो ये वन प्लस है, ये वन माइनस, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सिंपल इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसा आ जाएगा, अगर मैं इसको ओवरऑल रिप्रेजेंट करता हूं तो दिस इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज वी आई बाई टू एज इट इज आपका, ठीक है। इतना आगे आपका कैसा आएगा, यहां से आपका वन माइनस हो जाएगा, ऊपर आपका आर टू जे ओमेगा सी बचेगा, उसे मैं डिनोमिनेटर में ला रहा हूं, तो सिंपल हो जाएगा आपका वन प्लस वन अपॉन वन अपॉन इस तरीके से आपका आर टू जे ओमेगा सी इस तरीके से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पर आपका ये जो फंक्शन आपका निकल के आया है कि अगर आप ओमेगा इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो जीरो रखने पर ये इनफाइनाइट, और वन अपॉन इनफाइनाइट मीन्स आपका जीरो, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू जीरो रखने पर आपका आउटपुट वोल्टेज जीरो, ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू अगर आप इनफाइनाइट रख देते हैं तो वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो आपका, और आउटपुट कितना आ जाएगा आपका उस केस में, इनपुट वी आई बाई टू इस तरीके से आपका आउटपुट। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है और लो फ्रीक्वेंसी पर आपका आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये कैसा फिल्टर आपका, हाई पास फिल्टर आपका आंसर है, ठीक है। तो ध्यान से देखें जो आपका आंसर आना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आना है, ठीक है। गुड इवनिंग सर, रमन सर की क्लास, सर की क्लास आपकी 6 बजे से स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है, 6 बजे से आपकी रमन सर की क्लास भी होनी आज से, ठीक है। तो 6 बजे आप लोग सभी लोग लाइव रहे इसके बाद, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखें, ठीक है, जितने स्टूडेंट अभी लाइव हैं ध्यान से देखें और सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस टाइप का जनरल क्वेश्चन फिल्टर सर्किट से आपको आइडेंटिफाई करने को आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने बैंड पास फिल्टर लिखा था, तो बैंड पास फिल्टर नहीं है आपका, कौन सा फिल्टर आपका लो, यहां से अगर आप देखते हैं तो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी पास हो रही है, तो इट मीन्स आपका हाई पास फिल्टर आपका, ठीक है। करना कैसे है आपको कि सबसे पहले ये पैरामीटर आपको गिवन थे, ठीक है, ये पैरामीटर आपको ध्यान रखने हैं। आपने देखा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो अब एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में आपको सबसे पहली चीज दो चीजों से आपका हमेशा सॉल्व होता है, कि पहला आपको क्या याद रखना है कि आपको देखते ही डायरेक्ट ये पता चल जाए कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या समिंग एम्पलीफायर, इस टाइप का कहीं कोई डायरेक्ट सर्किट तो नहीं है। अगर डायरेक्ट होगा तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, तो आप डायरेक्ट ही कर लेंगे। अदरवाइज लॉन्ग मेथड आपका किस तरीके से, कि हर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट चाहे आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, आप सिंपल केसीएल लगाते जाइए जितनी नोड आपको दिख रही है, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, सुपरपोजिशन अप्लाई किया, सुपरपोजिशन के केस में फर्स्ट आपने इनपुट कहां कंसीडर किया, नेगेटिव पर, सेकंड आपने पॉजिटिव पर, दो आउटपुट वोल्टेज, फर्स्ट आउटपुट वोल्टेज, सेकंड आउटपुट वोल्टेज, ओवरऑल क्या होगा आपका दोनों का एडिशन, और इस तरीके से ये आपका ओवरऑल आउटपुट। अब ओमेगा की वैल्यू अगर आप जीरो रख रहे हैं तो आउटपुट आपका जीरो, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख रहे हैं तो ओमेगा आउटपुट आपका वी आई बाई टू। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कि आउटपुट वोल्टेज जो आपका आ रहा है वो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी पर, तो आपका फिल्टर कैसा होगा, हाई पास फिल्टर, ठीक है। आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली आपका मेनली यूपीपीएससी एई इलेक्ट्रिकल के लिए आपका, तो ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को, फिल्टर के क्वेश्चन को करें, ठीक है। मैंने आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से कराया, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार खुद जरूर से करें, और ज्यादा से ज्यादा इसी तरीके से आप लोग आंसर देते रहे अब, ठीक है। बिल्कुल इलेक्ट्रिकल की क्लास आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो जैसे आपको सिलेबस में मेंशन है आपको कि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो ये टॉपिक होता आपका माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक का कोर सब्जेक्ट आपका, बट यहां आप अगर अपने सिलेबस में देखते हैं तो माइक्रोवेव आपको कंप्लीट एग्जाम में पूछा जाना है, तो थोड़ा सा इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आप जरूर लेके चले माइक्रोवेव में आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो सभी आंसर देंगे और पहले इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट आंसर देंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से हम डेली लेके चलते हैं, तो अब सभी लोग हम देखेंगे कि पहले इलेक्ट्रिकल वाले आंसर देते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ठीक है। तो तेजी से आंसर दें जरा सभी स्टूडेंट, ठीक है, बीटेक के लिए या डिप्लोमा के लिए, मेनली क्लास यूपीपीएससी ए के लिए है, तो आपका डिग्री जो आपका बीटेक होता है, बाकी डिप्लोमा के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके होंगे, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट आंसर दिया ऑप्शन बी, ठीक है, हाई पावर, गलत, ऑप्शन बी आपका हाई पावर, ठीक है। तो क्या कह रहा आपका, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन जब भी आपको पूछा जाएगा, एक माइक्रोवेव क्या होता है आपका, इक्विपमेंट होता है आपका, ठीक है, माइक्रोवेव इक्विपमेंट होता है, और किसके लिए जनरेट होता है आपका, पावर जनरेशन के लिए यूज होता है आपका, और कैसी पावर जनरेट करता है हमेशा याद रखें,
लो पावर जनरेटर होता है आपका एक रिफ्लेक्स क्रिस्ट्रॉन, ठीक है। तो आंसर जो आपका आएगा दैट इज ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर है, ठीक है। काफी लोग ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर आपका, ठीक है। दिस इज अ लो पावर जनरेटर, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एक पावर जनरेटर होता है और एक लो पावर जनरेटर होता है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से सुन ले कि लो पावर जनरेटर आपका रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो दैट इज आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। नोट कर लें, ध्यान से देख भी लें और नोट भी कर लें। ठीक है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज लो पावर माइक्रोवेव जनरेटर, तो आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है, आप लोग आंसर देते रहे सभी लोग, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आंसर दें सब लोग, ठीक है। चाहे किसी का कोई क्वेश्चन गलत हो या सही हो, आंसर देने की कोशिश सभी लोग करें, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात ध्यान से सुन लें इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, किस टाइप के बेसिक क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें, ठीक है। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन माइक्रोवेव का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिग्नल एंड सिस्टम से है आपको, ठीक है। तो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर है, तो बीटेक के सारे सब्जेक्ट आपको आने हैं, और सिलेबस में भी आपको लिखा हुआ है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट पूछी जानी है सिग्नल एंड सिस्टम से। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दें कि द फंक्शन एक्स टी इज शोन इन द फिगर, कि एक फंक्शन एक्स टी आपको फिगर में गिवन है। इवन एंड ऑड पार्ट्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन यूटीआर, कि जो आपके इस फंक्शन के लिए इवन एंड ऑड पार्ट्स होते हैं आपके, वो किस तरीके से कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रिक चलता है आपको किस तरीके से आपका। वेरी गुड, एक स्टूडेंट ने डायरेक्ट आंसर दे दिया आपका, ठीक है। कैसी ट्रिक चलता है कि क्वेश्चन आपको लिख क्या रहा है, सिग्नल आपको एक्स टी गिवन है, और क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि एक्स टी के नहीं निकालने आपको इवन एंड ऑड पार्ट, इवन और ऑड पार्ट आपको यूनिट स्टेप फंक्शन के निकालने हैं। वो जो सिग्नल एक्स टी गिवन आपको, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन गिवन है आपको, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं देख के चलता हूं कि किस तरीके से आपका यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी के लिए आपको इवन एंड ऑड पार्ट, तो सबसे पहले सभी लोग याद रखेंगे कि इवन पार्ट ऑफ सिग्नल, ठीक है। तो किसी भी सिग्नल का इवन पार्ट, अगर मैं यूनिट स्टेप सिग्नल की ही बात करता हूं कि इवन पार्ट ऑफ सिग्नल, तो कैसे कैलकुलेट करना है, सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल यू टी, ठीक है, प्लस टाइम रिवर्सल वर्जन ऑफ सिग्नल इज डिवाइड बाय टू। ये तो क्या हो गया आपका इवन पार्ट। ऐसे अगर मैं ऑड पार्ट की बात करता हूं, तो ऑड पार्ट ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज इक्वल टू यूनिट स्टेप फंक्शन माइनस यू ऑफ माइनस टी इज डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। तो इवन पार्ट अगर कैलकुलेट करना है, तो आपको टाइम रिवर्सल वर्जन को प्लस करके ऐड करके डिवाइड बाय टू करना है। ऑड पार्ट कैलकुलेट करना है, तो माइनस करके आपको डिवाइड बाय टू करना है। अब एक और बात आप याद रखें कि एग्जाम में आपको नॉर्मल इवन ऑड ना लिखकर क्या लिखता है आपको हमेशा, सिमेट्रिक पार्ट एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट, इस तरीके से आपको लिख कर देता है। तो जिन लोगों ने सुबह की क्लास अटेंड की होगी, सुबह 7 से 8 बजे जो हमारी क्लास होती है, तो वहां पर मैंने एक सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पार्ट का क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब यहां पर आंसर क्वेश्चन को देखते हैं, अगर आपका तो यू टी प्लस यू ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो यू टी की अगर मैं बात करूं यूनिट स्टेप फंक्शन की, तो कैसे रिप्रेजेंट होता आपका, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज इस तरीके से आपका, कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो के लिए आपका रिप्रेजेंट होता है, और फंक्शन का एम्पलीट्यूड 1। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि यू ऑफ माइनस टी, दिस इज टाइम टी और ये आपका यू ऑफ माइनस टी, तो यहां पर कितना होता है आपका, नेगेटिव साइड में आ जाएगा, नेगेटिव टाइम के लिए आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका एम्पलीट्यूड एज इट इज 1, ठीक है। दोनों सिग्नल को अगर हम ऐड करते हैं, तो जीरो से लेकर माइनस इन्फिनेटिव तक, ठीक है, फर्स्ट सिग्नल में अगर आप देखेंगे तो एम्पलीट्यूड कितना आपका, जीरो एम्पलीट्यूड है, जबकि आप दूसरे सिग्नल में देखेंगे तो एम्पलीट्यूड आपका 1 है। तो इट मींस जो आपका ओवरऑल सिग्नल निकल के आएगा, इस तरीके से अगर मैं देखता हूं कि दिस इज टाइम टी और आपने क्या किया है यू टी प्लस यू ऑफ माइनस टी, तो जीरो तक माइनस इन्फिनेटिव से जीरो प्लस 1, तो दैट इज 1 आ जाएगी आपकी वैल्यू इस तरीके से नेगेटिव में, ठीक है। अब ऐसे अगर आप देखेंगे कि पॉजिटिव पर, जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक यहां एम्पलीट्यूड है 1, यहां अगर आप देखेंगे तो एम्पलीट्यूड आपका 0, तो 1 प्लस 0, तो ये कैसे हो जाएगा आपका, इस तरीके से 1 आपका, ठीक है। आगे आपको किस तरीके से करना है, यू टी प्लस यू ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 आपको करना है, तो एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई 2, तो यहां एम्पलीट्यूड 1 था, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा आपका 1/2, अगर आप इस तरीके से डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो ये आपका क्या निकल के आता है, इस तरीके से ये जो निकल के आया आपका, दैट इज इवन पार्ट ऑफ सिग्नल। तो इवन पार्ट जो आपका निकल के आ रहा है यूनिट स्टेप फंक्शन का आपका, दैट इज इक्वल टू सिंपल कितना रहा आपका,
वन बाई टू आपका कॉन्स्टेंट माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक, ठीक है इतना। अब ऑड पार्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल आप लोग कमेंट में डाउट लिखते रहे, मैं सारे डाउट आपके अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं ऑड पार्ट की, ठीक है, तो ऑड पार्ट कैसे होगा आपका, यू टी माइनस यू ऑफ माइनस टी। तो फर्स्ट सिग्नल में से सेकंड सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल कैसा आ जाएगा आपका इस तरीके से, अगर हम देखते हैं दिस इज टाइम टी और ये हो जाएगा आपका यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी इस तरीके से। तो फर्स्ट सिग्नल में आप देखेंगे कि माइनस इन्फिनेटिव से जीरो तक एम्पलीट्यूड कितना आपका, जीरो। तो जीरो माइनस वन, तो जीरो माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा आपका, माइनस वन आएगा। इट मीन्स इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा आपका, दिस इज माइनस वन। अब अगर आप जीरो प्लस करेंगे तो यहां आपका क्या है, यहां से अगर आप देखते हैं तो यहां जीरो एम्पलीट्यूड, यहां वन, तो वन माइनस जीरो कितना आ जाएगा आपका, पॉजिटिव वन इस तरीके से, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, डिवाइड बाई टू एम्पलीट्यूड करना है, तो दिस इज डिवाइड बाई टू, तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका वन बाई टू और ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू। और इस सिग्नल को देखें और जो आपको एक्स टी गिवन है, दोनों सिग्नल को ध्यान से देखें, एक्स टी सेम एज इट इज ऐसा ही है, बस डिफरेंस क्या है, यहां एम्पलीट्यूड वन बाई टू है, वहां एम्पलीट्यूड कैसा आपका, वन है एम्पलीट्यूड। तो इस तरीके से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो दिस इज इक्वल टू, ये कैसे हो जाएगा आपका, वन बाई टू ऑफ एक्स टी। तो ये क्या निकल गया आपका, ऑड पार्ट ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों आंसर आपके सामने पर हैं आपके, कि इवन पार्ट अगर आपको निकालना है तो नॉर्मल या ओरिजिनल सिग्नल प्लस टाइम रिवर्सल वर्जन ऑफ सिग्नल इज डिवाइड बाई टू, फॉर्मूला याद रखें आप लोग। और इवन पार्ट को ही सिमेट्रिक पार्ट कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक पार्ट और ऑड पार्ट आपको कैलकुलेट करना है तो ओरिजिनल सिग्नल में से टाइम रिवर्सल वर्जन ऑफ सिग्नल को सब्ट्रैक्ट कर देना है और डिवाइड बाई टू। तो इस तरीके से अगर आप आंसर देखेंगे तो दिस इज वन बाई टू कॉमा वन बाई टू ऑफ एक्स टी, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। सर डब्ल्यू इनफाइनाइटी पर आउटपुट वोल्टेज समझ नहीं आया एम्पलीफायर वाले क्वेश्चन में, तो देखें स्टूडेंट उसमें था क्या आपका, कि ओमेगा आपका सबसे नीचे था आपका, ओमेगा इनफाइनाइट रखेंगे तो वन अपॉन ओमेगा हो रहा था, तो वन अपॉन इनफाइनाइट आपका जीरो हो जाएगा। अब जीरो प्लस वन आ रहा था आपका आगे, ठीक है, तो इसीलिए वो क्या हो गया, जीरो प्लस वन आपका वन हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से बाहर क्या बच रहा था आपका, वी आई बाई टू, इसलिए इनफाइनाइट पर आपका नॉन जीरो वोल्टेज और नॉन इनफाइनाइट वोल्टेज आपका आया था। वहीं अगर आप देखेंगे जीरो रखेंगे वहां पर तो वो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज बिकम्स इनफाइनाइट, और वन अपॉन जीरो आपका इनफाइनाइट और फिर वन अपॉन इनफाइनाइट आपका जीरो हो गया था। थोड़ा सा रिवाइंड करके उसको देखें तो कंप्लीट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर भी समझना है तो आगे हम इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। आगे आप लोग लाइव बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, हम क्वेश्चन को करते रहेंगे। तो आंसर आपका ऑप्शन ए, ठीक है। डिटेल पेड कोर्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कराएं ना प्लीज, ठीक है। पेड कोर्स में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल रहा है अभी आपका, ठीक है, वह भी आपका होना है, ठीक है। जैसे इन्होंने बात की है तो मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि इसरो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए हमारा अलग सा पेड कोर्स चल रहा है, राजस्थान जेई के लिए अलग सा चल रहा है, यूपीपीएससी एई इलेक्ट्रिकल के लिए हमारा रमन सर खुद कोर्स को करा रहे हैं, ठीक है, खुद आपकी क्लासेस ले रहे हैं वहां पर, तो वहां भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल आपको इंजीनियरिंग अकेडमी देहरादून पेड कोर्स ऐप आपको इंस्टॉल करना है, वहां से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी आपकी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं मैं अब, तो फटाफट आंसर दें, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का, तो फटाफट जरा आंसर दें, ठीक है, सभी लोग फटाफट आंसर दें जरा। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि यहां पर आपको क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी इज लॉ, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 21 लोग लाइव हैं, सभी लोग फटाफट आंसर दें, ठीक है, तेजी से सभी लोग आंसर दें और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन सी कम्यूटेटिव आपका। अभी मैं चेक कराता हूं आपको, मैं सारे लॉ आपको समझा दूंगा, आप लोग सभी लाइव बने रहें, जितने भी लॉज आपको यहां पर लिखे हुए ऑप्शन में, मैं सारे लॉ समझाऊंगा आपको, ठीक है। ऑप्शन ए लिखा है एक स्टूडेंट, ऑप्शन ए, ठीक है। देखें भाई इलेक्ट्रिकल वाले आप लोगों से पहले आंसर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों, ठीक है, तो इस तरीके से ना करें, फटाफट आंसर दें, आप लोगों का कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, किस चीज का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन ए मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है।
अब ध्यान से देखें स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपको, सबसे पहले क्या ऑप्शन है आपका, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। अब ध्यान से समझें और याद रखें इन लॉ को, ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के जो एग्जाम में आते हैं आप लोगों को। एसोसिएटिव लॉ आपका कैसे होता है, एसोसिएटिव बोलने का मतलब आपका कि एसोसिएशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बाइनरी अल्फाबेट्स, ठीक है। तो किस तरीके से आपका कि यहां से अगर मैं लेके चलता हूं, तो जैसा आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी, कि अगर आप पहले दो इनपुट बी और सी के बीच में और ऑपरेशन करा रहे हैं और उसके बाद आप ए के साथ और ऑपरेशन करा रहे हैं, तो सेम रिजल्ट आएगा अगर आप ए और बी का पहले और ऑपरेशन कर रहे हैं और फिर रिजल्टेंट का सी के साथ और ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं, तो सेकंड आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो किस तरीके से होता है, अब ध्यान से देखें, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। सारे लॉ को मैं समझा रहा हूं, बस ध्यान से आप लोग देखते रहे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बोलने का मतलब आपका कि जब आपका कुछ शॉर्ट फॉर्म से आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड होगा, किस तरीके से कि अगर आपका एक फंक्शन है इस तरीके से आपका a डॉट b प्लस सी, ठीक है, तो इसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका, a का मल्टीप्लाई पहले b के साथ और फिर a का मल्टीप्लाई c के साथ, तो दिस इज a डॉट b प्लस a डॉट c, ये क्या आ जाएगा आपका रिजल्टेंट। ये तो आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म अगर हम देखें तो सेकंड फॉर्म कैसे होती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की आपकी, कि इस तरीके से आपका a प्लस b डॉट c, इस तरीके से अगर कोई फंक्शन रिप्रेजेंट है तो इसे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a आपका और हो रहा है b डॉट c के साथ, तो a और होगा आपका b के साथ और a और होगा आपका c के साथ, और बीच में आपका क्या इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट डॉट ऑपरेटर है, क्या आपका मल्टीप्लाइंग ऑपरेटर है, तो दिस इज a प्लस बी डॉट, इस तरीके से अगर आप लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस सी इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका होता है इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं आपको कम्यूटेटिव लॉ की, ठीक है, तो ऑप्शन सी अगर हम लेके चलें तो ऑप्शन सी आपका दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से देखें कि कम्यूटेटिव लॉ अगर आपको बोला गया है तो कम्यूटेटिव लॉ बोलने का मतलब क्या होता है आपका कि दैट इज ए प्लस बी अगर आप कर रहे हैं तो सेम होगा आपका कि अगर आप बी प्लस ए करेंगे, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल होगा आपका बी डॉट ए के, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब आपकी क्या होता है आपका इस तरीके से पोजीशन चेंज होती है तो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। लास्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन लॉ आपका, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो आपका है किस तरीके से, अब इसको ध्यान से देखें एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, फटाफट इनको नोट भी कर लें आप लोग, एब्जॉर्प्शन लॉ आपका, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन लॉ कैसे होता है आपका अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो किस तरीके से आपका कि ए प्लस, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको फंक्शन गिवन है a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू, कि जो एक सिंगल वेरिएबल गिवन है वो वेरिएबल अगर आपका कंप्लीट इक्वेशन में जितना भी आपका बूलियन फंक्शन गिवन है उस कंप्लीट फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है आपका हर टर्म के साथ, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा सिंगल आपका ये फंक्शन, चाहे तो उसको डिटेल में देख भी सकते हैं, a कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा आपका वन प्लस बी, और वन प्लस बी कितना हो जाएगा वन, तो सिंपल आपका a। तो फर्स्ट फॉर्म तो एब्जॉर्प्शन लॉ की इस तरीके से, सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो कैसा आ जाएगा आपका a डॉट a प्लस बी इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर आप देखते हैं तो ये सिंपल क्या हो जाएगा आपका a डॉट a आपका a हो जाएगा, ठीक है, इनवॉल्यूटरी लॉ आपका, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लेकर चलें ये क्या हो जाएगा आपका a डॉट b, तो वहां से फिर a कॉमन आपका अगेन ऊपर वाली इक्वेशन, तो सिंपल रिजल्टेंट क्या आएगा आपका a। तो ये जो आपको फोर लॉज यहां पर गिवन थे ये इस तरीके से आपके क्या होंगे रिप्रेजेंट होंगे आपके, ठीक है। तो अब यहां से ध्यान रखें आगे भी क्वेश्चन हम आते रहेंगे, ये सिंपल लॉ आपके एसोसिएटिव बोलने का मतलब आपका कि एसोसिएशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। कम्यूटेटिव बोलने का मतलब आपका कि कम्यूटेटिव बोलने का मतलब आपका पोजिशन से आपका कि पोजिशन किस तरीके से आपके चेंज होने पर रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एब्जॉर्प्शन बोलने का मतलब है कि पूरे फंक्शन से एब्जॉर्ब होकर आपका डायरेक्टली एक यूनिट फंक्शन बच जाएगा। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा कि जो गिवन फंक्शन आपको था जो गिवन इक्वेशन थी वो किस लॉ को फॉलो कर रही है आपकी एब्जॉर्प्शन लॉ को, तो आंसर जो आपका आना था दैट इज ऑप्शन ए आपका क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इसरो का पेड कोर्स पेड पीडीएफ अभी अपलोड नहीं हुए हैं क्या ऐप पर, ठीक है। इसरो पेड कोर्स का जो आपका कोर्स आपका उसके काफी क्लासेस आपके हो गए, उसमें पीडीएफ का कोई नहीं आपका,
अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट पेपर आने स्टार्ट हो गए हैं आपके, ठीक है। यूपी पीएससी की फर्स्ट क्लास से एक स्टूडेंट, ठीक है, डीएमआरसी में आया था एब्जॉर्प्शन का, बिल्कुल। तो यही मैं चीज आपको बोलना चाह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो कुछ लॉज आपके इस तरीके से, तो इनको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो सभी लोग फटाफट आंसर दें। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आपका, ठीक है, फटाफट आंसर दें जरा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ अ जेफेट इज कंप्यूटेड एट कॉन्स्टेंट वीडीएस, ठीक है, कि ट्रांस कंडक्टेंस आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। सभी लोग फटाफट आंसर दें जरा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। टेस्ट सीरीज नहीं दिख रहा है, टेस्ट सीरीज भी आपका वहीं पर आपका, ठीक है। आप स्टोर में जाएंगे, स्टोर में आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। वेरी गुड, ऑप्शन ए काफी लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांस कंडक्टेंस, तो ट्रांस कंडक्टेंस यहां पर तो जेफेट के लिए पूछा गया है। अब मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूं और आपको याद रखना है किस तरीके से आपका, कि ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, चाहे फिर आपका इस तरीके से आपको याद रखना है कि फिर आपका जेफेट हो या बीजेटी हो, दोनों के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है आपका इस तरीके से होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट करंट, ठीक है। इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मूले को याद भी रखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज, ठीक है। ध्यान से देखें, इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट आपका करंट है, कि करंट चेंज होने का रेट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। तो जेफेट के लिए अगर मैं बात करूं तो आउटपुट करंट आपका ड्रेन करंट, तो दैट इज चेंज आपको बताना है, तो डेल आई डी ओवर, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज। और जेफेट के केस में इनपुट वोल्टेज क्या होता है आपका, गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो दैट इज डेल ऑफ VGS आपका, ठीक है। तो ट्रांस कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग GM से, तो दिस इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू डेल आई डी ओवर डेल VGS, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं, और कांस्टेंट क्या होता है आपका, विद कांस्टेंट VDS, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है आपका, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट। तो आंसर जो आपका आएगा, दैट इज रेशियो ऑफ चेंज ऑफ इन आईडी टू चेंज इन VGS, आंसर आपका ऑप्शन ए आपका इस तरीके से राइट आंसर, ठीक है। बाकी इस फॉर्मूले को अगर आप और डिटेल में देखते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका कैसा आ जाता है कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो ड्रेन करंट, ठीक है, इस तरीके से ड्रेन करंट का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉकले इक्वेशन भी कहते हैं, तो दैट इज आई ऑफ डी इज इक्वल टू, ठीक है, सिंपल क्या फॉर्मूला होता है आपका, आई डी एस एस इंटू वन माइनस वीजीएस अपॉन वीपी का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस जीएम को, तो दिस इज इक्वल टू माइनस टू इंटू आई डी एस एस अपॉन पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी इंटू वन माइनस वीजीएस अपॉन वीपी, ठीक है, इतना। और यहां पर अगर मैं बात करूं कि ट्रांस कंडक्टेंस मैक्सिमम कब मिलता है आपको, तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर आपका, कि मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस जीएम नॉट, तो जीएम नॉट क्या होता है आपका, मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये कब मिलता है आपको, जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज वीजीएस कैसा होता है आपका, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस केस में जीएम नॉट जो आपका आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस टू इंटू आई डी एस एस इज डिवाइडेड बाई, ठीक है, सिंपल क्या आ जाएगा आपका, पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी। तो ये आपके इस तरीके से फर्स्ट फॉर्मूला आपका ट्रांस कंडक्टेंस, सेकेंड ट्रांस कंडक्टेंस का मैथमेटिकल, फिर आपका ड्रेन करंट, फिर आपका ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला, और आपका मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस। तो ये पांच फॉर्मूले आपके जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए, जहां से आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर क्वेश्चन को मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि हर क्वेश्चन आपको इसी तरीके से कंप्लीट डिटेल में प्रोवाइड हो, ताकि आपको अनदर क्वेश्चन इस तरीके से अलग अलग पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ट्रांस कंडक्टेंस स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फिर जेफेट के लिए फॉर्मूला, फिर ड्रेन करंट आपकी, ट्रांस कंडक्टेंस जेफेट में आपका, और ये आपका मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस। पैरामीटर की बात करूं तो आईडीएसएस आपकी मैक्सिमम और सैचुरेशन ड्रेन करंट, VGS आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज, VP आपका पिंच ऑफ वोल्टेज, वो वोल्टेज जहां से आपका ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाता है,
ठीक है। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों को स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, याद भी रखें, एग्जाम में डायरेक्ट भी आते हैं और क्वेश्चन भी आता आपका, ठीक है। इतना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड क्लास में डिस्कस भी किया था, तो सभी लोग फटाफट आंसर देंगे खुद से, ठीक है। और ब्रांच जरूर मेंशन करेंगे कि कौन से ब्रांच के स्टूडेंट सबसे पहले आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सा पता तो चले, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आंसर दे रहे हैं या इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है। तो फटाफट आंसर दें जरा, ठीक है, आंसर दें जरा फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। ठीक है, सभी लोग फटाफट आंसर दें। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, कि एक एम्पलीफायर आपका विदाउट फीडबैक, ठीक है, वेरी गुड। एक दो एक स्टूडेंट आंसर दीजिए, ऑप्शन ए, गुड अमित पांडे जी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनको हम जानते भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका, तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट जरा तेजी से आंसर दें, ठीक है, क्लास मेनली अभी आप लोगों के लिए चल रही है, तो आंसर दें जरा, ठीक है। ऑप्शन ए एक और आंसर आ गया आपका। तो क्वेश्चन आपको किस तरीके से कहा गया है कि एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक हैज वोल्टेज गेन ऑफ 50, कि एक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन आपका, जब आपका फीडबैक अप्लाइड नहीं है, तो उस टाइम आपका वोल्टेज गेन कितना, आपका वी नॉट इज, वी नॉट नहीं, आपका वोल्टेज गेन आपको गिवन है, तो दैट इज ए नॉट आपको कितना गिवन है, ओपन लूप गेन कितना गिवन है आपको, 50 गिवन है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा आपको, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, तो इनपुट रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है, दैट इज 1 किलो ओम आपको इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है। आगे आपको क्या कहा गया है कि आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 किलो ओम, आर नॉट इज इक्वल टू 2.5 किलो ओम आपको गिवन है, ठीक है, कि द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द करंट संट नेगेटिव फीडबैक। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि अब आपका कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आपकी, ध्यान से देखें, करंट संट, ठीक है। तो वैसे तो मैंने पहले भी कहा आपको कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, पर फॉर्मूला याद नहीं भी है तब भी मैं आपको शॉर्टकट एक इस तरीके से बताऊंगा कि आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, आगे आपको क्या कह रहा है कि नेगेटिव फीडबैक अबव एम्पलीफायर विद फीडबैक फैक्टर ऑफ 0.2, कि फीडबैक फैक्टर बीटा कितना आपका, 0.2। तो जैसे यहां पर अमित पांडे जी ने आंसर दिया आज, इसी तरीके से सारे स्टूडेंट से उम्मीद आपकी, ठीक है, हमारी, कि सभी लोग इसी तरीके से क्या करें, तेजी से आंसर दें, ठीक है, हमेशा इसी तरीके से क्या है, सब लोग आंसर दें। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट आंसर दें जरा, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, तो जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो अब साथ में देखें कि जब भी आपको नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर से इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा, तो मैंने पहले भी कहा आपको कि करंट संट या वोल्टेज संट, करंट संट वोल्टेज सीरीज, चार कन्फिग्रेशन में एक गिवन होगी आपको। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो फर्स्ट टर्म है आपकी, इसको आपको लिखना है, ये आपका सैम्पलिंग, ठीक है। सेकेंड टर्म आपको जो लिखनी है, ये है आपका मिक्सिंग, ठीक है। और हमेशा याद रखें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, इतना आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमेशा मिक्सिंग आपकी, मिक्सिंग कहां पर होती है आपकी, इनपुट साइड पर होती है, ठीक है। और सैंपल हम कहां लेते हैं, हमेशा सैंपल हमेशा आप लोग आउटपुट साइड पर लेते हैं, ठीक है। इतना अब ध्यान से देखें कि मिक्सिंग करनी है आपको संट में, तो इनपुट पर जो कनेक्शन आपका, वो कैसा कनेक्शन आपका, संट कनेक्शन है, ठीक है। आउटपुट की अगर मैं बात करता हूं, सैंपल लेना है करंट का, करंट सेम कब होती है आपकी, सीरीज में सेम होती है, तो इट मीन सैंपल कैसे लेंगे हम, सीरीज में लेंगे, तो आउटपुट पर आपका कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। तो अब एक बात आप याद रखेंगे कि इनपुट पर जहां आपका संट होगा, चाहे वो इनपुट होगा आउटपुट होगा, उस साइड का रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा, जहां सीरीज होगा उस साइड का रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। तो अब ध्यान से आप देखेंगे कि इनपुट साइड है, तो इट मींस इनपुट साइड का रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा, और आउटपुट साइड पर सीरीज है, तो इट मींस आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। और जो फैक्टर डिक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा कैसे आपके, इट मींस इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक इज इक्वल टू इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक डिवाइड बाई 1 प्लस A0 इंटू बीटा। तो 1 प्लस A0 बीटा से जो डिक्रीज करना है वहां डिवाइड कर दें, और जो इंक्रीज करना है आपका विद फीडबैक, ठीक है, वहां आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कैसे आपका, कि 1 प्लस A0 इंटू बीटा मल्टीप्लाइड बाई कितना आपका, आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक, ठीक है स्टूडेंट। इतना
तो फटाफट आप लोग आंसर रखें, आंसर मतलब वैल्यू रखें, आंसर कमेंट बॉक्स में दें और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करते रहें। अब इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक कितना आपका 1 किलो ओम डिवाइड बाय 1 प्लस गेन विदाउट फीडबैक, तो दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाय ये आपका बीटा आपका 0.2 इस तरीके से। तो सॉल्व करेंगे तो 50 × 0.2 तो 50 × 100 तो दैट इज आपका 10 हो जाएगा आपका, तो 10 तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से 1 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो यहां पर जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आएगा आपका विद फीडबैक तो दैट इज इक्वल टू 1/11 आपका क्या जाएगा इस तरीके से, किलो ओम में रेजिस्टेंस है तो 1/किलो ओम आपका क्या जाएगा 1/11 किलो ओम आपका विद फीडबैक आपका। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की, ठीक है ठीक है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस में कैसा आपका आउटपुट साइड आपका सीरीज में कनेक्ट था तो सीरीज में जो साइड कनेक्ट होगी आपकी उस साइड का आपका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका इंक्रीज होगा आपका जहां आपका सीरीज कनेक्शन होगा। तो आउटपुट सीरीज में तो आपका 1 प्लस A0 बीटा से मल्टीप्लाई, तो फटाफट वैल्यू रखते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस A0 ओपन लूप गेन आपका 50 × 0.2 इज मल्टीप्लाइड बाई आउटपुट रेजिस्टेंस आपका 2.5 किलो ओम। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 11 आपका 11 × 2.5। ठीक है, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा आपका आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक इज इक्वल टू कितना आ रहा आपका 27.5 किलो ओम। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन ने जो आपको पूछा था क्या पूछा था इस तरीके से, यहां पर आपको पूछा गया था द इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको इनपुट रेजिस्टेंस पूछा गया है तो आपका आंसर 1/11 किलो ओम, और सेम आपको अगर इसी तरीके से आउटपुट रेजिस्टेंस पूछा गया है तो आपका क्या आ जाएगा 27.5 किलो ओम। तो आंसर जो निकल के आ रहा है दैट इज ऑप्शन ए आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें शेयर भी करें, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से डेली आप लोग लाइव बने रहें, पहली क्लास आपकी मॉर्निंग में सुबह आपका 7 से 8 बजे तक होती है, शाम को आपकी UPSC AE और आपका जो राजस्थान JEE इलेक्ट्रिकल के लिए एग्जाम आपका, तो क्लास आपकी क्या होती है शाम को 5 से 6 बजे पर डेली आपकी। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, ठीक है शेयर भी करें, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, संट और सीरीज कैसे लिखा, ठीक है तो संट और सीरीज यहां पर कैसे लिखा आपका कि हमेशा याद रखें कि संट तो आपका डायरेक्ट क्या है यहां से आपका कि संट आपका यहां पर क्या था, अगर मैं मिक्सिंग कर रहा हूं आपको ऑलरेडी गिवन था संट कनेक्शन में आपको मिक्सिंग करनी है तो ये संट आया आपका। सीरीज किस तरीके से लिया है कि सैंपलिंग आपकी, ठीक है करंट का आपको सैंपल लेना है, करंट सेम होती है आपकी सीरीज में तो सीरीज में इसका सैंपल लेंगे, तो सीरीज में सैंपल लेंगे तो ये क्या आ गया आपका इस तरीके से आउटपुट साइड में आपका सीरीज, और सैंपलिंग हमेशा नेटवर्क के आउटपुट साइड में होती है, मिक्सिंग आपकी हमेशा नेटवर्क के इनपुट साइड में होती है, तो इस तरीके से आपका संट और सीरीज। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।